हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। हरी मिर्च वैसे खाने में बहुत ही तीखा लगता है, पर इसका अचार जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और इसे बनाने के लिए हमने लिए हरी मिर्च, इसे धो करके मैंने इसके डंठल को अलग कर लिया है। और इसे बनाने के लिए इसको इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप किसी भी साइज में इसे किसी भी तरह से आप काट सकते हैं, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड करने का एक ही इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो उसका मसाला है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। तो इस तरह से इस हरी मिर्च को पूरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमने लिए हैं 2 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टेबलस्पून हमने मेथी के दाने, 2 टेबलस्पून हमने पीली सरसों लिया है और 4 टेबलस्पून हमने नमक लिया है, 2.5 टेबलस्पून हमने जीरा लिया है, 2 टेबलस्पून हमने काली सरसों और कुछ कलियां लहसुन के लिए हमने, और इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग के बिना अचार का जो टेस्ट है वो बहुत ही फीका लगता है, इसलिए इसमें हींग का जो फ्लेवर है अचार के टेस्ट को जस्ट डबल कर देता है। अब इसे तैयार करने के लिए हमने लिए प्रीहीट तवे, इसे थोड़ा सा इस प्रीहीट तवे में डाल के 2-3 मिनट के लिए इसे थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए हमने जीरा और ये काली सरसों को ऐड किया है, ये है सौंफ, उसके बाद हमने ऐड किया पीली सरसों, मेथी के दाने। अब इन सारे मसालों को मिक्स करके थोड़ी 2-3 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। काली सरसों जो नहीं खाते उस वो स्किप भी कर सकते हैं। इसे मैंने दोनों सरसों का इसमें यूज किया है। अब इस तरह से इसको रोस्ट करके थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे। इसमें हम तेल गर्म करेंगे। तेल के लिए हमने लिए कच्चे घानी सरसों तेल और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने देना है और ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब थोड़ा ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। तब तक हम अपना जो मसाला भी हमारा ठंडा हो चुका है इसे दरदरा करके पीस के तैयार कर लेंगे। और इसे तैयार करने के बाद हमारा इधर तेल भी ठंडा हो चुका है। इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा वो लहसुन जो हमने लिए थे अच्छे उसकी कलियाँ उसको कूच करके तेल में डाल देना ताकि लहसुन का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से तेल में मिक्स हो जाए। इससे हमारे अचार का जो टेस्ट है वो जस्ट लहसुन जैसा, लहसुन का फ्लेवर जो है वो हमारे अचार में आ जाएगा। अब हम इसमें जो हमने मसाले तैयार करके रखे उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन ऐड करने से ये एक फ़ायदा होता है कि किसी भी तेल या मसाले वाली चीज़ में ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अजवाइन का एक ही फ़ायदा होता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हींग। हींग ऐड करने के बाद इसमें डालेंगे नमक। नमक की मात्रा ज़्यादा रखना है क्योंकि इसका तीखापन जो है वो थोड़ा कम हो सके। अब हमने तेल जो गर्म किए थे उसे भी इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने ऐड किया हल्दी पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है काला नमक। काला नमक ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स करके आप इसे किसी भी ग्लास के जार में आप इसे रख के स्टोर कर सकते हैं। 2 दिन के बाद भी आप इसे खा सकते हैं, नहीं तो इसे 2 दिन के लिए आप इसे धूप में भी डाल करके आप 2 दिन के लिए आप धूप में रख दीजिए। उसके बाद 3रे दिन आप इसे खाने के यूज में आप इसे ले सकते हैं। तो ओके, ये था आज का मिर्च का अचार जो झटपट हो गया तैयार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तक के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय।